नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे खबरों के सिलसिले के बारे में। आज हम हमारे खबरों के सिलसिले में कौन कौन सी खबरों को शामिल करेंगे, आज हम आज की सुर्खियों में आपको बताएंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी टैक्स और रिटर्न फिलिंग में बड़ी राहत दी गई है। जानिए क्या क्या अहम फैसले हुए जीएसटी काउंसिल में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और कारोबार जगत की खबरों में हम शामिल करेंगे एसी रेस्टोरेंट में खाना खाना हुआ सस्ता की खबर, और जस्ट डायल का अधिग्रहण गूगल कर सकता है की खबर। और मनोरंजन जगत की खबर में हम आपको बताएंगे इत्तेफाक 2017 मूवी के बॉक्स ऑफिस की खबर, और थोर रंगनारोक 2017 मूवी बॉक्स ऑफिस की खबर। खेलकूद की खबर में हम आपको बताएंगे क्रिकेट की खबर। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा खबरों का सिलसिला, और पहली खबर हम लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं पहली खबर हम लेते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी टैक्स और रिटर्न फिलिंग में बड़ी राहत दी गई है। 9 और 10 नवंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी कर रहे थे। जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में आम आदमी और कारोबारियों को सबसे ज़्यादा राहत दी गई है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या अहम फैसले हुए इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में। तो हम शुरू करते हैं कि 28% जीएसटी स्लैब में 228 वस्तुएं थी। इन 228 वस्तुओं को जो नीचे के टैक्स स्लैब हैं उनके अंदर लाया गया। हम आपको बताते हैं कि 178 वस्तुओं को 28% से 18% जीएसटी टैक्स स्लैब में लेकर आए, और 13 वस्तुओं को 18% से 12% जीएसटी टैक्स स्लैब में लेकर आए। वहीं पर 6 वस्तुओं को 18% से 5% जीएसटी टैक्स स्लैब में लेकर आए, और 8 वस्तुओं को 12% से 5% जीएसटी टैक्स स्लैब में लेके आए, और 6 वस्तुओं को 5% से 0% जीएसटी टैक्स स्लैब में लेकर आए। 50 लग्जरी वस्तुओं को 28% जीएसटी टैक्स स्लैब में ही रखा गया है। कारोबारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। कंपोजिशन स्कीम में जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने में भी राहत दी गई है। हम आपको ये बताएं, 3 महीने में एक ही GSTR-1 रिटर्न फाइल करनी है। GST रिटर्न पर लगने वाले जुर्माने को भी कम कर दिया गया है। हम आपको ये बताएं, पहले यह जुर्माना 200 रुपये पर डे के हिसाब से लगाया जाता था, और अब 20 रुपये पर डे लगाया जाएगा। यह सब राहत देने पर सरकार पर 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर आ रही है कारोबार जगत से जुड़ी हुई, और कारोबार जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं एसी रेस्टोरेंट में खाना खाना सस्ता हो गया है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं, आपके फ़ायदे की खबर है। आप यदि रेस्टोरेंट में खाना खाते हो अपने वीकेंड पर, तो आपके लिए बेहद ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि अब रेस्टोरेंट में खाना खाना सस्ता हो गया है। पहले नॉन एसी रेस्टोरेंट में 12% जीएसटी टैक्स लगता था, और एसी रेस्टोरेंट में 18% जीएसटी टैक्स लगता था। अब एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाना खाने पर सिर्फ 5% जीएसटी टैक्स ही लगेगा। आपको कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। हम आपको बताते हैं कि आप नॉन एसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, और आपका खाने का बिल 1,000 रुपये आता है। तो हम पहले का जीएसटी टैक्स 12% से कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा टैक्स निकल के आता है 120 रुपये का, और टोटल बिल आपका हो जाता है 1120 रुपये का। और आप नॉन एसी रेस्टोरेंट में बैठे हो के बिल के ऊपर जीएसटी टैक्स 5% लग रहा है, तो आपका टैक्स निकल के आता है 50 रुपये का, और टोटल बिल आपका हो जाता है 1050 रुपये का। तो आपने कितने रुपए की सेविंग करी, आपने 70 रुपये की सेविंग करी है। अब हम बात करते हैं एसी रेस्टोरेंट के बारे में। आप एसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपका बिल आता है 1000 रुपये का, इसके ऊपर हम पहले का 18% जीएसटी टैक्स लगाते हैं, तो टैक्स निकल के आता है 180 रुपये का, तो हमारा टोटल बिल हो जाता है 1180 रुपये। अब हम आपको बताते हैं, आप एसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, और आपके ऊपर 1000 रुपये का
बिल है और जीएसटी टैक्स निकल के आता है 5% के हिसाब से 50 रुपये, और आपका बिल हो जाता है 1050 रुपये, और आपने सेविंग करी है इसमें 130 रुपये की। तो ये आपको सबसे बड़ा फ़ायदा दिया है गवर्नमेंट ने। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है जस्ट डायल का अधिग्रहण गूगल कर सकता है। की खबर, गूगल पर जस्ट डायल लिखते ही एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। जस्ट डायल इंडिया का लोकल सर्च इंजन है। जस्ट डायल पर करोड़ों एड्रेसों की लिस्ट है। गूगल के अधिग्रहण करने की खबर से ही जस्ट डायल की जो शेयर्स हैं उसमें 20% तक का उछाल देखा गया है। गूगल यदि जस्ट डायल का अधिग्रहण करता है तो इसके जो शेयर्स के दाम हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस समय जस्ट डायल के जो शेयर्स हैं उनको खरीदना फ़ायदे का सौदा होगा। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई, और मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं इत्तेफाक 2017 मूवी के बॉक्स ऑफिस की खबर। इत्तेफाक मूवी 3 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थी। इत्तेफाक मूवी ने 7 दिनों में कितना बिजनेस किया है, इस बात की जानकारी तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। हम आपको बताते हैं कि तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर क्या कहा। हम आपको बताएं, फ्राइडे को इत्तेफाक मूवी ने 4.05 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। सैटरडे को इत्तेफाक मूवी ने 5.50 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। संडे को इत्तेफाक मूवी ने 6.50 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। मंडे को इत्तेफाक मूवी ने 2.25 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। मंगलवार को इत्तेफाक मूवी ने 2 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। बुधवार को इत्तेफाक मूवी ने 1.75 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। थर्सडे को इत्तेफाक मूवी ने 1.60 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। इत्तेफाक मूवी की टोटल कमाई अब तक एक सप्ताह भर की हो गई है 23.65 करोड़ रुपए। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है थोर रंगनारोक 2017 मूवी बॉक्स ऑफिस की खबर। हम आपको बताते हैं कि फॉरेन की जो मूवी है थोर, वो भी 3 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थी। थोर मूवी ने इन 7 दिनों में कितना बिजनेस किया है, इस बात की जानकारी तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। हम आपको बताते हैं और शुरू करते हैं। फ्राइडे को थोर मूवी ने 7.77 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। शनिवार को थोर मूवी ने 9.43 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। संडे को थोर मूवी ने 10.46 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, और सोमवार को थोर मूवी ने 4.10 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। मंगलवार को थोर मूवी ने 3.20 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। बुधवार को थोर मूवी ने 2.87 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। गुरुवार को थोर मूवी ने 2.54 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। हम आपको ये बताएं, थोर मूवी ने अब तक जो टोटल कमाई कर ली है वो कर ली है 40.37 करोड़ रुपए, और जो हमारी इत्तेफाक मूवी है उसने 7 दिनों में कमाई करी है सिर्फ 23.65 करोड़ रुपए। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है खेलकूद की खबर, और खेलकूद की खबर में हम आपको बताते हैं पहली खबर, ऑस्ट्रेलियाई वुमेन और इंग्लैंड वुमेन के बीच ओनली टेस्ट मैच खेला जा रहा है। यह टेस्ट मैच 9 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक खेला जाएगा। अब हम आपको स्कोर कार्ड के बारे में बताते हैं। इंग्लैंड वुमेन ने पहले खेलते हुए अपनी पारी में 280 रन बनाए 10 विकेट खोकर 116 ओवर के अंदर। वहीं पर ऑस्ट्रेलियाई वुमेन ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 214 रन बनाए 5 विकेट खोकर और 100.1 ओवर के अंदर। तो यह है हमारी आज की तमाम खबरें। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।